अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर सैदर एंड आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी टुडे एंड दैट इज किरचॉफ सेकंड रूल किरचॉफ सेकंड रूल जो है वो मैंने जैसा कि आपको कल थोड़ा सा बताया था जब हमने किरचॉफ फर्स्ट रूल पढ़ने लगे थे कि किरचॉफ सेकंड रूल जो है दैट्स ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है तो इसमें हमने देखना है जैसे वो क्रिचॉफ फर्स्ट रूल में था कि सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो यानी सम ऑफ ऑल द करेंट्स एंट्रिंग और लीविंग द सर्कट शुड बी इक्वल टू द शुड बी द सेम और द सम ऑफ ऑल द करेंट्स एंट्रिंग और लिविंग करेंट्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो तो ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी क्रचॉफ फर्स्ट रूल में कि जितनी भी करंट एंटर हो रही होती है सिस्टम में उतनी ही करंट सिस्टम से लीव कर रही होती है इसी तरह से किसी सर्किट के अंदर अगर हम दा दा एक कंप्लेक्स सर्किट की बात कर रहे हैं और कल हमने कम्प्लेक्स सर्किट की

बल्कि इसमें दो जो सेल्स हैं E1 वन एंड ई वो भी कनेक्टेड है और ये जो है इसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रही है सर्किट में आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है सो so, दिस डायग्राम इज द डायराम ऑफ अ कम्प्लेक्स सर्कट वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर दिस कम्पलेक्स सर्किट बाई यूजिंग द किचॉ ऑफ सेकेंड रूल किर्च ऑफ सेकेंड रूल हमें इस सर्किट की इक्वेशन देगा और हमें बताएगा कि दैट हाउ वी कैन सिंप्लीफाई सच टाइप ऑफ कम्प्लेक्स सर्कट्स इस तरह के कम्प्लेक्स सर्किट्स को सिम्प्लीफाई करने के लिए हम हम कौन सा तरीका जो है या किस तरह से हम इसकी इक्वेशन जो है वो डिवेल्प uh, कर सकते हैं अच्छा उसके लिए एक सबसे इस क्रिचॉफ रूल को पढ़ने से पहले पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं ये एक डेफिनेशन है इसकी इट स्टेट्स दैट द अल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और अ लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब ये है कि जितनी भी पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट के अंदर वो किसके इक्वल होगी जीरो के इक्वल होगी यानी सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट शुड बी इक्वल टू जीरो जैसे हम कल सम ऑफ ऑल द करंट्स की बात कर रहे थे इस तरह अब किचॉफ सेकेंड रूल में सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट शुड बी जीरो और ये और अगर अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि क्रचॉफ फर्स्ट रूल जो था वो मैनिफेस्टेशन था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ठीक है तो इसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो करचॉफ सेकेंड रूल जो है वो मैनिफेस्टेशन है या अकॉर्डिंग टू लॉ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है ये ठीक है सो कुछ ऑफ सेकंड रोल इज द मैनीफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है उसको ये फॉलो करता है इस, इसका मतलब ये है कि द टोटल एनर्जी इन द टोटल एनर्जी इन चेंज इन द एनर्जी ऑफ आवर सिस्टम शुड बी इक्वल टू जीरो यानी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि जो जितनी भी एनर्जी है इस सिस्टम के अंदर वो किसके इक्वल है जीरो के इक्वल है या सम ऑफ ऑल द एनर्जी इन द सिस्टम इन दिस क्लोज कंप्लेक्स सर्किट शुड बी इक्वल टू जीरो तो जितनी भी एनर्जी है इस क्लोज कंप्लेक्स सर्किट में वो किसके इक्वल होनी चाहिए जीरो के इक्वल होने चाहिए सो दिस इज क्रिचॉफ सेकेंड रूल इसको हम क्रिच सेकंड सेकेंड रूल कहते हैं अब इस क्रिच सेकंड सेकेंड रूल में uh, इस ये क्वेश्चन हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं अब एनर्जी के लिए याद रखें एनर्जी का मतलब है वर्क डन अब वर्क डन जब आप करेंगे तो वर्क डन बराबर होता है या एनर्जी आपको पता है ना डन और एनर्जी सेम थिंग है दोनों की यूनिट जबल होती है तो जब हम एनर्जी या वर्क डन की बात करते हैं तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई एम एफ्स हैं ये जो E1 और E2 आपको नजर आ रहा है ये ई एम एफ्स आपदा सेल्स हैं हमारे पास दो सेल हैं सर्किट में कम्प्लेक्स सर्किट में एक E1 है और एक E2 है तो E1 और E2 जो है ये दोनों ई एम एफ हैं ऑफ सेल ऑफ वन सेल एंड अनदर सेल इन अ सर्किट ठीक है और I जो है वी क्लाक वाइज करंट है जो कि इस पूरे सर्किट में से फ्लो कर रही है और R1 और R2 जो है ये दो रजिस्टर्स हैं विद इन द सर्किट अब इनकी मदद से हमने इस कम्प्लेक्स सर्किट की इक्वेशन जो है वो ड्रॉ करनी है अब उसके लिए जब हमने इस कम्प्लेक्स सर्किट की इक्वेशन ड्रा करनी है तो उस उसके लिए कोई भी इसकी इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए ड्रा करने के लिए एक अनदर डेफिनेशन भी हम पहले देख लेते हैं और इसके स्पेशल रूल्स हैं टू डेवलप द इक्वेशन वो हम देखते हैं कि वो क्या है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इक्वेशन जो है ये किस तरीके से बन सकती है अब डेफिनेशन एक तो डेफिनेशन आपने ऊपर पढ़ी है यहाँ पे कि द जबरिक सम ऑफ द वोल्टेज चेंजेज इन अ क्लोज सर्किट और अ लुक मस्ट बी इक्वल टू तो जीरो अनदर डेफिनेशन जो है द जबरिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू क्योंकि चार्ज जो है वो तो एक जैसा फ्लो कर रहा है ना पूरे सर्किट में से ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो आपको करंट देता है तो पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट में से एक ही चार्ज फ्लो कर रहा है डेल्टा q जो हर टर्म के साथ आ रहा है जब हम एनर्जी निकाल रहे हैं तो एनर्जी बराबर होती है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है तो चार्ज डेल्टा q हर टर्म में आ रहा है दैट्स तो व्हाई वो कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल चेंजेस की ही रह जाएगी सो आप उसको यही स्टेट कर सकते करते हैं कर सकते हैं किसॉब सेकंड रूल को अल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो ठीक है? यानी आपने यह बात जहन में रखनी है कि आपके पास आ, जो आपका क्रिच ऑफ सेकेंड रूल है वो पोटेंशियल डिफरेंस या ई एम एफ ऑफ द सेल से रिलेटेड होता है और ये मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इधर यूज़ करेंगे अपने कम्प्लेक्स सर्किट के लिए तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्कट जो है वो जीरो के इक्वल आएगा और ये आपका क्रचॉफ़ सेकेंड रूल होगा अब इनके रूल्स की तरफ कैसे आपने इस सर्कट कम्प्लेक्स सर्किट की क्वेश्चन किस तरह से ड्रॉ करनी है वो आप जो है वो आप इधर देखें देख सकते हैं बिफोर अप्लाइंग दिस रूल फॉर द एनालिसिस ऑफ द एलिस नेटवर्क इट इज वर्थ वाइल टू थोरली अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल चेंजेस कि आपने किस तरीके से पोटेंशियल चेंजेस करनी है उनके लिए आपको दो रूल्स हैं और वो दो रूल्स हम देखते हैं कि वो क्या हैं बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनकी मदद से आपने इस सर्किट कंप्लेक्स सर्किट की क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को डिराइव करना है कि कैसे हम इसको ये दो रूल्स हम पहले देख लेते हैं कि वो क्या हैं रूल नंबर वन ये है कि इफ़ अ सोर्स ऑफ ई एम एफ इज़ ट्रेवर्सड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल यानी अगर आप कोई ई एम एफ है ई एम एफ के आपको पता है ना किसी सेल के दो टर्मिनल्स है एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है अगर आप उसको ट्रेवर्स करते हैं यानी मूव करते हैं विद इन द सर्कट ट्रेवर्स करने का मतलब है चलना या लेके चलना या उसको मूव करना उसमें से पास करना अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं उसके अंदर तो पोटेंशियल चेंजेस इज़ पॉजिटिव इसका मतलब है अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव उसको कंसीडर करेंगे तो उसमें जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव कंसीडर होगा और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे इट इज नेगेटिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव उसको कंसिडर करेंगे विद इन द सर्किट तो वो नेगेटिव होगा ठीक है सेकेंड रूल क्या है इफ़ आर रेजिस्टर इज ट्रैवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट यानी अगर हमने डायरेक्शन ऑफ द करंट जैसे पीछे आपने देखा कि एंटी क्लॉक वाइज ली हुई है और अगर हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही अपने क्लोज सर्कट को स्टडी करते हैं तो फिर अगर हम उसी डायरेक्शन में ट्रेवर्स करते हैं सर्कट को तो फिर आ, क्या होगा द चेंज इन द पोटेंशियल इज नेगेटिव तो उस वक्त जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा एंड इट इज़ पॉजिटिव इन द अपोजिट डायरेक्शन अब ये जो दो रूल्स हैं इस तरह से तो शायद आपको समझ में ना आए, जब तक कि हम इनको अप्लाई नहीं कर लेते अपने सर्किट के ऊपर तो लेट्स कैम लेट्स कम बैक टू आवर सर्किट। हम अपने सर्किट की तरफ आते हैं दिस इज अ कम्प्लेक्स सर्किट। अब हमने इसकी क्वेश्चन डेवलप करनी है कैसे डिवेल्प करेंगे Uh, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने सर्किट को किस तरह से रीड आउट करना है यानी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करना है आपको नज़र आ रहा है ना ये सर्किट है कम्प्लेक्स सर्किट जिसमें दो ई एम एफ हैं ई वन आर ई टू दो रजिस्टर्स हैं आर वन आर आर टू और इसमें करंट जैसी नज़र आ रही है आपको वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है तो सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम सर्किट को कैसे स्टडी करेंगे अगर आप सर्किट को स्टडी करना चाहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ठीक है तो भी आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसी तरह की क्वेश्चन डेवलप होगी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो भी इट्स अप टू यू ठीक है ये आर्बिट्री चॉइस होती है कि आपने सर्किट को किस तरह से रीड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट तो हम यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो सर्किट को रीड आउट करते हैं अब देखें सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होते हैं ई एम से जैसा कि हमने रूल में पढ़ा था कि अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ईवन जो है वो हम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं नेगेटिव से पॉजिट ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं ना अपने सर्किट को रीड आउट करना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो सबसे पहले ईवन के ऊपर जब हम आएंगे तो अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ स्टडी करेंगे अपने सर्किट को इस तरह से जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उसको क्या कंसिडर करेंगे पॉजिटिव तो यानी आप इधर लिख देंगे प्लस ई वन यानी ईवन के साथ अगर कोई साइन नहीं तो आपको पता नहीं ये प्लस ही है तो ये ईवन ये कि एम एफ आगे आगे चलेंगे करंट आर वन से पास करेगी आपको पता है जब करंट आर वन से पास करेगी आई करंट तो आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा करॉस आर वन हमने कहा था कि रेजिस्टेंस जो है उससे कोई ना कोई करंट भी फ्लो करती है और उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होता है तो जब करंट आई फ्लो करेगी इस आर वन से तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अकॉर्डिंग टू होम्जला वी इज इक्ल टू आई आर तो ये क्या हो जाएगी आई आर वन चूँकि हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पा रहे हैं तो इसके साथ क्या आएगा नेगेटिव साइन ठीक है याद रखें इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट का मतलब है इसके साथ क्या आएगा नेगेटिव साइन सो दिस इज माइनस आई आर वन ठीक है उसके बाद आ जाए ई एम एफ ई टू पर अब ई टू में जब आप आए हैं तो करंट कैसे गुजर रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमने ये रूल में अभी दो रूल्स पढ़े हैं ना पॉजिटिव से नेगेटिव अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो कैसे आएगा इसके साथ क्या कौन सा साइन लगना चाहिए नेगेटिव साइन जब आप सर्किट को पॉजिटिव से नेगेटिव स्टडी करेंगे सो इट गिव्स यू अ नेगेटिव सो माइनस ई टू और उसके बाद करंट फ्लो करते हुए कहाँ से गुजरेगी R2 से अब जब करंट आई जो है वो फ्लो करती हुई R2 से गुजरेगी अब इसके क्रॉस भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होगा आई आर टू चूंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो माइनस आई आर टू इज इक्वल टू जीरो दिस इज द किरचॉफ सेकेंड रूल दोबारा से देख लें कैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले ई वन से स्टार्ट करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब है अगर आप सर्किट ऐसे स्टडी करें ना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो माइन नेगेटिव से पॉजिटिव अगर आप जाएंगे तो उसके साथ कौन सा साइन आता है पॉजिटिव साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जो है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन यानी ये आ जाएगा प्लस ई वन उसके बाद इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो दिस इज माइनस आई आर वन और पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाते हैं तो नेगेटिव साइन माइनस ई टू और उसके बाद जब हम करंट जो है वो फ्लो करेगी आर टू से तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चूके हम जा रहे हैं तो माइनस आई आर टू इज इक्वल टू जीरो सो दिस इज़ द इक्वेशन विच टेल्स यू दैट सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू करचॉ ऑफ सेकेंड रूल सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्कट शुड बी इक्वल टू जीरो दिस इज द ये जो है ये उसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है या ये वाली जो शुरू में कही है वो भी हो सकती है और यहाँ पर दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्रचा ऑफ सेकेंड रूल जो कि इस कम्पलेक्स सर्कट को सॉल्व करके आपने उसकी इक्वेशन निकाली है ठीक है स्टूडेंट्स तो इसके लिए रूल्स जो मैंने आपको दो सबसे पहले बताए हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप सर्किट को की ईएमएफ को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे तो पॉजिटिव साइन आता है हमेशा उसके साथ और जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे होते हैं ट्रेवर्स कर रहे होते हैं सर्कट को तो फिर उसके साथ नेगेटिव साइन आता है ई एम के साथ नेगेटिव साइन और ई के साथ कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव आप उसको ले रहे हैं इसी तरह जब आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ते हैं तो आई आर वन भी नेगेटिव होगी और आई आर टू भी नेगेटिव होगी क्योंकि आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उसको स्टडी कर रहे हैं अपने सर्किट को तो ये दो बेसिक रूल्स हैं किच सेकंड रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं कि आपने ई एम एफ्स को कैसे रीड आउट करना है जितनी मर्जी ई एम एफ्स आपकी सर्किट में लगी हों ईवन uh, एक ई वन है और एक ई टू है दो ई एम एफ्स लगी हुई हैं तो अगर आप उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ स्टडी करेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ स्टडी करेंगे तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा और जब आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पड़े होते हैं तो रजिस्टर आर वन या आर टू जितनी मर्जी रजिस्टर्स लगी हुए जहाँ जहाँ से करंट गुजर रही है उन सब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव होगी क्योंकि आप उसे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ें ठीक है स्टूडेंट्स आई होप आपने इस पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा ये बीच में जितनी भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है वो इस सर्किट की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बता दी है ठीक है कि ये जैसे इन्होंने बताया कि कंसीडर अ क्लोज सर्किट आपने एक क्लोज सर्किट लेना है जैसे ये दिखाया था डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट डिपेंड्स अपॉन द सेल हैविंग द ग्रेटर ईएमएफ अच्छा अब ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये किस पर डिपेंड कर रही है इन दोनों सेल्स में से जिसकी ई ग्रेटर है यानी अगर आप एक यूज सेल लगा रहे हैं अपने सर्कट में और एक आप लगा रहे हैं जो है न्यू सेल लगा रहे हैं अब न्यू सेल की वोल्टेज तो वन वोल्ट होगी ना फॉर एग्जाम्पल ई आपका न्यू सेल है जिसकी वोल्टेज वन वोल्ट है और जो ई है वो एक पुराना सेल था जिसकी वोल्टेज थोड़ी सी रिड्यूस होकर वन पॉइंट टू वोल्ट या वन पॉइंट थ्री है तो अब जिसकी ज्यादा ई है

पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में भी ये पढ़ी थी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज चेंज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होती है इट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ठीक है या एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय इट इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर पॉइंट तो ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की या वोल्टेज चेंज की वो वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज होती है ठीक है इसकी यूनिट जोल पर कुलम्ब होती है जो कि इक्वल्स टू वोल्ट होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस की ये डेफिनेशन उन्होंने बताई है पॉजिटिव चार्ज क्यू ड्यू टू वैन करंट आई इन द क्लोज सर्किट पासिस थ्रू द सेल ई वन अगर एक करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्लोज सर्किट में ई वन से की वजह से फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल लो से हाई पोटेंशियल की तरफ यानी माइनस से पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं ना तो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जब ये जाता है माइनस से पॉजिटिव पॉजिटिव साइन की तरफ इट गेन्स एनर्जी तो ये एनर्जी गेन करता है ये एनर्जी गेन करता है दैट्स वाई इसका वर्क इसके साथ पॉजिटिव साइन आता है ये इसकी रीज़न है कि इसके साथ पॉजिटिव साइन क्यों आता है बिकॉज इट गेन्स एनर्जी जब ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है वेयर एज जब ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आप इसको ट्रेवर्स करते हैं तो इट लूज एनर्जी ये एनर्जी को क्या करता है लूज कर देता है जिसकी वजह से इसके साथ नेगेटिव साइन आता है अब आपको आई होप कि अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग और अच्छी सी हो गई होगी कि क्यों हम नेगेटिव से पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव साइन आता है और पॉजिटिव से नेगेटिव के साथ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है क्योंकि ये एनर्जी गेन कर रहा है लो से हाई पोटेंशियल की तरफ और हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हुए ये एनर्जी लॉस करता है लूज करता है तो उसकी वजह से उसके साथ नेगेटिव साइन आता है ठीक है तो ये इसकी रीज़न थी और द एनर्जी गेन इज़ ई वन डेल्टा क्यू एनर्जी की बात कर रहे हैं ना तो फिर वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो है वो इधर लगेगा ये चार्ज मल्टीप्लाई बाय उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ई एम एफ ई वन है ठीक है वैन द करंट पासिस थ्रू द सेल ई टू इट लोजेज एनर्जी और ये इसके इक्वल है बिकॉज हे द चार्ज पासिस फ्राम हाई टू लो पोटेंशियल इन गोइंग थ्रू द रजिस्टर आर वन द चार्ज डेल्टा क्यू लॉजेज एनर्जी लूज एनर्जी इक्वल टू माइनस आई आर वन डेल्टा क्यू आई आर वन उसका पोटेंशियल डिफरेंस है और साथ डेल्टा चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस वही फार्मूला हम इधर फॉलो करें दोनों टाइम जब जब वो रेजिस्टर आर वन से आपको पता है जब भी किसी रेजिस्टर से वो करंट फ्लो करती है तो उसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है ना एनर्जी डेसीपेट होती है तो जब एनर्जी डेसीपेट होगी या लॉस होगी तो उसके साथ क्या होगा नेगेटिव साइन आएगा तो इसलिए उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है वेयर आई आर वन इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस वेयर आई आर वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन दस द माइनस साइन शोज दट दार्ज इज पासिंग फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल तो नेगेटिव साइन इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ आप उसको लेके जा रहे हैं उसमें लॉस आ रहा है उस आर uh, वन से गुजरते हुए सिमिलरली द लॉस ऑफ द एर्जी वाइल पासिंग थ्रू आर टू जैसे कि मैंने कहा कि आर टू से गुजरते हुए भी उसमें एनर्जी में लॉस आएगा एंड फाइनली इसीलिए उसके साथ भी नेगेटिव साइन आएगा फाइनली द चार्ज रिच इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल ई वन फ्रॉम वेयर वी स्टार्टिड ठीक है तो ये क्लोज लूप है जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं पर आपने इसको एंड करना है हमने ई वन से सर्कट को स्टार्ट किया ट्रेवर्स करना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो और वहीं पर जाके आप अपने सर्कट को एंड भी करेंगे ई वन के ऊपर ही ठीक है तो ये पूरा इसका प्रोसेस था किचॉफ सेकेंड रूल का जो मैंने आपको समझा दिया इसके ये जो हमने रूल्स पढ़े हैं जो मैंने आपको सबसे पहले बताए थे दो रूल्स वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो किस वजह से है अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव साइन इसलिए आता है क्योंकि एनर्जी गेन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव साइन इसलिए आता है क्योंकि एनर्जी लॉस होती है आपकी और दोनों रजिस्टर से गुजरते हुए एनर्जी लॉस होती है इसलिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो इसलिए हम उसको नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करते हैं तो दोनों रजिस्टर से एनर्जी लॉस होती है जब जब एनर्जी लॉस होगी तो नेगेटिव साइन आएगा और जब जब एनर्जी गेन uh, होती है तो उस वक्त उसके साथ पॉजिटिव साइन आता है ठीक है तो ये मैंने आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स बता दिए इसकी डेफिनेशन बता दी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दी ये इसकी सर्कट डायग्राम है जो कि एक कंप्लेक्स सर्कट है और क्रिच सेकेंड रूल को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है नो no? अगर हम इसको अच्छे से और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ये दो रूल्स जिस तरह से मैंने आपको बताए थे तो एग्ज़ैम्पल नंबर थर्टीन पॉइंट सिक्स को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है ये एग्ज़ाम्पल नंबर थर्टीन पॉइंट सिक्स जो है ये ज़रा इन्होंने बुक में जो है ज़रा कम्प्लेक्सड फॉर्म में लिखी हुई है जो कि ज़रा आपके लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी तो इसलिए मैंने इसको ज़रा ख़ुद से अटैम्प्ट किया है ताकि आप इसको अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर लें ठीक है तो ये हम अपनी नुमै एग्जाम्पल की तरफ आते हैं सो लेट्स कम अप टू आवर एग्जाम्पल नंबर थर्टीन पॉइंट सिक्स ये मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखी है अब इस एग्ज़ैम्पल नंबर थर्टीन पॉइंट सिक्स में अगर आप अपनी बुक में भी देखें तो वो सर्कट जिस तरह बुक में बना हुआ है ये मैंने वही वाला सर्कट आपका बनाया है ठीक है और ये एक कम्पलेक्स सर्कट है बल्कि ज़्यादा कम्प्लेक्स सर्कट है जैसा आपने देखा उससे पिछला जो हमने किचॉफ सेकंड रूल को जिससे अंडरस्टैंड किया उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स सर्कट जो है ये अब आपका बना हुआ है क्योंकि इसमें अब आपको नज़र आ रहा है कि तीन ई एम एफ्स लगी हुई हैं ई वन ई टू एंड ई थ्री और तीन रजिस्टर्स हैं आर वन आर टू एंड आर थ्री और वो आपसे क्या चाहते हैं सर्किट में वो आपसे दो चीज़ें चाहते हैं करंट आई वन की वैल्यू और करंट आई टू की वैल्यू ठीक है ये दो वैल्यूज़ वो आपसे यहाँ पर चाहते हैं कि आपने आई को किस तरह से कैलकुलेट करना है और आई टू को किस तरह से कैलकुलेट करना है तो अब आप ये देखें यहाँ पर ये वैल्यूज़ उन्होंने आपको दी हुई हैं आर वन की आर टू की आर थ्री की भी वैल्यू दी हुई है ई वन ई टू और ई थ्री की वैल्यूज़ वो ऑलरेडी आपके बुक में उन्होंने आपको दी हुई है। हैं अब इसको आपने सॉल्व कैसे कर करना है ये इसके दो लूप्स आप ये देखें इस सर्किट में दो लूप्स बन रहे हैं पहले हमने जो पिछला सर्किट के जो ऑफ सेकेंड रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने पढ़ा है वो सिंगल लूप था लेकिन यहाँ पर अब टू लूप्स बन रहे हैं आपके सामने अब ये जो टू लूप्स हैं एक क्लोज लूप बन रहा है ए बी सी डी ए ठीक है या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए डी सी बी ए एक क्लोज लूप हम ये वाला बना रहे हैं ए डी सी बी ए क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करंट आई वन उन्होंने आपको दी हुई है दो और आई टू भी दी हुई है दो क्रंट से आपकी सर्किट में फ्लो कर रही है आई वन जो है वो करंट है जो आर वन से भी फ्लो कर रही है और आर टू से भी फ्लो कर रही है सिमिलरली आई टू वो करंट है जो आर टू और आर थ्री से फ्लो कर रही है और इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन उन्होंने आपको दिखाई हुई है अब हम अगर इन दोनों लूप्स को बारी बारी दो इक्वेशन आएंगी क्योंकि इस सर्किट में टू लूप्स बन रहे हैं एक लूप बन रहा है ए डी सी बी ए एक क्लोज लूप ये बन रहा है दूसरा क्लोज लूप आपका बन रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हमने इसको लिया इस लूप को अब दूसरा लूप जो है वो बन रहा है बी सी एफ ई बी ये भी हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इसको स्टडी करेंगे ठीक है तो दोनों क्लोज लूप जो है हम बारी बारी दोनों से इक्वेशन निकालेंगे और आखिर में दोनों क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आई वन और आई टू की वैल्यूज आ जाएंगी थ्रू दिस कम्पलेक्सर कट बाई यूजिंग किरच ऑफ सेकेंड रूल अब कंसिडर द लूप क्लोज लूप ए डी सी बी ए पहले ये वाला लूप लें और कहाँ से स्टार्ट करते हैं ई वन से अब ई वन को आप देखें कहाँ कैसे आप ट्रिवर्स करें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पहले ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव आते हैं तो उसके साथ क्या साइन आता है नेगेटिव साइन सो दिस इज माइनस ई वन उसके बाद चूंकि हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस साइन के साथ आएगा माइनस आई वन इंटू आर वन आई वन की वजह आई वन फ्लो कर रही है ना आर वन में से तो ये हो जाएगा माइनस आई वन इंटू आर वन माइनस अब ये जो सेंटर वाला लूप है ये जो बी ये जो सेंटर वाली लाइन है बी की इसमें से दोनों करंट्स फ्लो कर रही हैं ठीक है देख आप देख सकते हैं कि इसमें से आई वन आर टू जो रजिस्टर है इसमें से आई वन करंट भी फ्लो फ्लो करती है और आर टू रजिस्टर में से आई टू करंट भी फ्लो कर रही है इसलिए आप इन दोनों में से एक करंट नहीं ले सकते जब हम इसको आई वन की वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त लुप ए डी सी बी ए रहे हैं ना तो इस वक्त जो हमारी मेन करंट है मेजर करंट है वो कौन है आई वन तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं आई वन माइनस आई टू करके ठीक है तो जब ये आर टू से पास करेगी तो ये आ जाएगा माइनस माइनस साइन क्यों आ रहा है क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप इसको ले रहे हैं ना तो माइनस आर टू से क्या पास कर रही है इस वक्त आई वन माइनस आई टू इन टू आर टू और प्लस ई टू इज इक्वल टू जीरो क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब आप जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा अभी हमने कहा था कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं ई को लेके तो वो एनर्जी गेन करता है इसलिए उसके साथ क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइंस सो प्लस ई टू जीरो टू जीरो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो हमने क्विच ऑफ सेकेंड रूल से बनाई है इक्वेशन नंबर वन फॉर द लुप ए डी सी बी ए के लिए ठीक है सिमिलरली अगर आपने इस लूप की क्वेश्चन आपको समझ में आ गई है कि हमने कैसे बनाई है तो फिर सेकंड लूप की क्वेश्चन भी आप इजीली बना सकते हैं इसको जरा जस्ट आपने एक दफ़ा अंडरस्टैंड करना है तो फिर आप किसी भी कम्पलेक्स सर्किट की क्वेश्चन जो है वो डेवलप कर सकते हैं अब ये देखें आ, पहले हम इसमें इसको ज़रा अच्छे से इसी क्वेश्चन वन को पहले अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं जितना सॉल्व हो सकता है ठीक है फिर हम लूप सेकेंड लूप की तरफ जाते हैं अब ये देखो माइनस ई वन क्या है आपको दी हुई है फोर्टी ठीक है ये हमने सबसे द वैल्यूज हमने इसमें पहले माइनस फोर्टी माइनस आई वन इन टू आर वन आई वन हमने कैलकुलेट करनी है आर वन की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है टेन ठीक है तो ये आ जाएगा माइनस टेन आर वन टेन आई वन और माइनस आई वन माइनस आई टू ये वैसे ही रहेगा और आर टू जो है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है थर्टी तो थर्टी इसके साथ आप लगा देंगे यहाँ पर और प्लस ई टू कितनी दी हुई है सिक्सटी ठीक है तो प्लस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो अब ये एक एक जीरो इनके कैंसिल हो जाएंगे आपको पता ना टेन के टेबल से अगर आप इसको करें तो ये ये वाली इक्वेशन आपके पास बचेगी और इस इक्वेशन में अब आपने ये जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी कि माइनस फोर आई वन प्लस थ्री आई टू और ये सिक्स में से फोर निकालेंगे तो प्लस टू इज इक्वल टू जीरो दिस इज़ इक्वेशन नंबर टू जो कि हम आगे यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट आई वन एंड आई टू ठीक है अब आ जाए सेकेंड लूप आपका क्लोज़ लूप इसी को इस लूप को हम जितना सॉल्व कर सकते थे इस की क्वेश्चन को हमने फर्स्ट लूप की क्वेश्चन को जो आपका था ए डी सी बी ए इसे हमने सारा सॉल्व कर लिया और इक्वेशन टू निकाल लिए अब हम सेकंड लूप लेते हैं सेकंड लूप है हमारा बी सी एफ ई बी अब बी सी एफ ई बी अगर आप हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंटी जा रहे हैं ना तो स्टार्ट करें पहले ई टू से अब आप देखें जब आप E2 से स्टार्ट करेंगे तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे सबसे पहले और जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवर्स करेंगे अपने सर्किट को E2 जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो उसके साथ क्या साइन आएगा E2 के साथ पॉजिटिव से नेगेटिव के साथ उसके साथ आता है नेगेटिव साइन ठीक है क्योंकि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हुए वो एनर्जी लॉस करता है इसलिए उसके साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन सो दिस इज़ माइनस ई और उसके बाद आ जाएं R2 की तरफ R2 मैंने आपको कहा था कॉमन रेजिस्टर है इसमें से I1 I2 आई टू दोनों फ्लो करेंगे लेकिन इस वक्त चूंकि हम अपना सेकंड लूप पढ़े हैं और इसमें मेजर करंट आपकी I2 है तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे I2 टू माइनस आई करके ठीक है जब हम इसकी वजह से पढ़ रहे थे उसको लूप ए डी सी बी ए की वजह से तो उस वक्त मेजर करंट आई थी उस वक्त हम आई वन माइनस आई टू करके थे अब हमारी मेजर करंट I2 है सेकेंड लूप में तो फिर अब हम जो रजिस्टर R2 से फ्लो करेगी करंट वो होगी I2 टू माइनस आई ठीक है तो इस ये चीज़ जरा समझनी आपने माइनस साइन तो आएगा ही क्योंकि हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस आई टू माइनस आई वन इंटू आर टू और माइनस आगे वो कहाँ से फ्लो करी आई आर थ्री से सो माइनस आई टू आर थ्री माइनस आई टू आर थ्री और उसके बाद अब आप अपने सर्किट को आखिरी जो ई है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो लो पोटेंशियल से हाई टेंशन जाते हुए एनर्जी गेन करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव आएगा तो फिर प्लस ई थ्री इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन बन जाएगी ये ई थ्री है ना आपका तो माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए क्या आता है उसके साथ पॉजिटिव साइंस प्लस ई थ्री इज इक्वल टू जीरो ये अब आपकी इस सेकेंड लूप की इक्वेशन बन गई क्लोज लूप बी सी एफ ई बी की क्वेश्चन ठीक है और ये जिस तरह से आपने क्लोज लूप ए डी सी बी ए की क्वेश्चन निकाली थी और उसे सॉल्व किया था अब हमने सेकंड लूप बी सी एफ ई बी की क्वेश्चन निकाली है और उसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे ई टू की वैल्यू आपके पास है ई टू इक्वल है आपका ई uh, टू की वैल्यू जी सिक्सटी सो दिस इज माइनस सिक्सटी माइनस आई आई टू माइनस आई वन तो वैसे ही रहेगा ना आर टू की वैल्यू क्या है जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आर टू थर्टी है आपका ये हमने लगा दिया माइनस थर्टी इंटू आई टू माइनस आई आई वन और माइनस आई टू तो वैसे ही रहेगा लेकिन आर थ्री की वैल्यू हम लगा सकते हैं आर थ्री क्या है फिफ्टीन और प्लस ई थ्री ई थ्री की वैल्यू जो है वो है फिफ्टी ठीक है तो ये प्लस फिफ्टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ से आपने आ, आप इसको कैंसिल का कैंसिल आउट कर सकते हैं सिंगल टेबल आप फाइव का टेबल लें फाइव के टेबल में फ़ाइव थ्री ज़र फिफ्टीन फाइव टेन ज़र फिफ़्टी फाइव सिक्स ज़र थर्टी और फाइव ट्वेल्व ज़र सिक्सटी तो ये फाइव के टेबल से आप इन सारी वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर सकते हैं और कैंसिल आउट करके ये फॉर्म बनेगी अब आप इस फॉर्म को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं इस ब्रैकेट को ओपन करके और जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फिर आपके पास ये फॉर्म आ जाती है कि माइनस ट्वेल्व और माइनस सिक्स आई टू प्लस सिक्स आई वन माइनस थ्री आई टू प्लस टेन इज इक्व ज़ीरो इसको सॉल्व करें माइनस सिक्स माइनस थ्री आई टू जो है वो माइनस नाइन आई टू बन जाएगी और ये प्लस टेन माइनस ट्वेल्व जो है ये माइनस टू हो जाएगा और यहाँ से प्लस सिक्स आई वन इस तरह से ये आपकी क्वेश्चन नंबर फोर आ गई ठीक है स्टूडेंट्स तो जैसे आपने लूप ए बी सी डी ए को ए डी सी बी ए को सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर टू निकाली थी यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर टू आपने कैलकुलेट की थी बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ये जो लूप था ए डी सी बी ए इसी तरीके से अब आपने ये जो इक्वेशन नंबर फोर कैलकुलेट की है बाय सॉल्विंग द सेकेंड लूप जो आपका था उसको सॉल्व करके अब आपने अगर आप चाहते हैं आई वन और आई टू तो आपको पता है मैथ्स का रूल है मैथ्स के रूल में आप क्या करते हैं अगर आपके पास दो हीशन है और उनमें दो वेरिएबल्स हैं फॉर एग्जाम्पल आई वन और आई टू है वो आपके दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई तो आप किस तरह से एक्स की और वाई की वैल्यू बारी बारी निकालते थे आप दोनों ही को पहले सॉल्व करेंगे और पहले एक की वैल्यू निकाल लेंगे आइदर यू कैन कैलकुलेट आई वन और यू कैन कैलकुलेट आई टू और फिर जब दोनों में से एक की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको सब्सिट्यूट करके सेकंड की वैल्यू सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन टू एंड फोर को दो इक्वेश अब मैंने टू इक्वेशन दोबारा ताकि पीछे ना देखना पड़ेगी मैंने सेकेंड इक्वेशन दोबारा इधर लिखती है जो आपके पीछे हमने कैलकुलेट की थी लूप को सॉल्व आउट करके उसके उस स्वच्छ ऑफ रूल लगा के तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर टू है और ये क्वेश्चन नंबर फोर है हम क्या कर सकते हैं अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये देखें मैं इन दोनों को सिमिलर बनाने के लिए अगर मैं आई को रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं इस क्वेश्चन टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगी जब मैं इस क्वेश्चन टू को थ्री से मल्टीप्लाई करूंगी तो करके देखें थ्री फोर जो ट्वेल्व दिस इज माइनस ट्वेल्व थ्री थ्री जर नाइन दिस इज नाइन आई टू और थ्री टू जर सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो ये क्वेश्चन बन गई अब मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इस इक्वेशन और इक्वेशन नंबर फोर को अब ऐड कर दूंगी जब मैं इन दोनों क्वेश्चन को ऐड करूंगी तो ये देखें प्लस नाइन आई टू और माइनस नाइन आई टू कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स ये हो जाएगा माइनस सिक्स आई वन और सिक्स माइनस टू जो है ये प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो यहां से आप इसको सॉल्व आउट करके जो है फोर ये माइनस सिक्स आई वन को उस तरफ ले जाए तो ये सिक्स आई वन हो जाएगा और यहां से आई वन जो है वो आपके पास आ जाएगा टू ओवर थ्री एम्पेयर ये आई वन की वैल्यू आ गई अब इस वैल्यू को आई वन की वैल्यू को अगर आप दोबारा से किसी एक क्वेश्चन में पुट कर लें चाहे क्वेश्चन नंबर टू में पुट कर लें चाहे आप इसे क्वेश्चन नंबर फोर में पुट कर लें ठीक है तो हम यहाँ पर हम उसे इक्वेशन नंबर जो है इन इक्वेशन नंबर फोर आपको जहाँ ईजी लगता है आप चाहे टू में डाल लें चाहे फोर में डाल लें सेम आंसर आएगा ठीक है तो हम इस आई वन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फोर में डाल लेते हैं यहाँ पे डालते हैं सिक्स आई वन की जगह आपने क्या डालना है टू ओवर थ्री जो आई वन की वैल्यू आपने निकाली है सो टू ओवर थ्री माइनस नाइन आई टू बाकी क्वेश्चन वैसी रहेगी माइनस नाइन आई टू और माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो ये इस तरह से रहेगा उसके बाद अब आप अगर इसको ये जो टर्म्स कैंसिल और मजीद ज़रा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आई टू की वैल्यू भी आ जाएगी ये उसी तरह से जैसे आप एक्स और वाई वेरिएबल्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं उस तरह से हमने आई वन और आई टू जो है उसको कैलकुलेट कर लिया है इसके बाद ये तो हमने मैंने तो आपको बता दिया आई वन आई टू कैसे कैलकुलेट करते हैं लेट्स कम कम बैक टू आवर बुक अगर हम अपनी बुक में देखें ये देखें इसी यही आई वन और आई टू हम मैंने कैलकुलेट आपको करके दिखाई हैं जो उन्होंने बुक में भी कैलकुलेट की हुई हैं नोइंग द वैल्यूज ऑफ द लूप करंट्स आई वन एंड आई टू द एक्चुअल करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैन बी डिटरमाइंड शोज दैट द आई वन एंड आई टू आर द एक्चुअल करंट्स फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर वन एंड आर थ्री अब आपने देखा ना कि करंट्स जो फ्लो कर रही थी आर वन और आर थ्री से वो थी ना आई वन और आई टू ये देखें आर वन से जो करंट फ्लो कर रही थी क्योंकि आर टू तो कॉमन टर्मिनल था ना इनका आर टू तो इनका कॉमन टर्मिनल था आर वन से जो करंट फ्लो कर रही थी वो कौन थी आपकी आई वन और आर थ्री से जो करंट फ्लो कर रही थी वो कौन थी आपकी आई टू क्योंकि आर टू तो इनका कॉमन टर्मिनल था उससे तो दोनों करंट फ्लो कर रही थी ठीक है हमने इस आई वन की वैल्यू और आई टू की वैल्यू निकाल ली है जो कि आई वन फ्लो रही थी थ्रू आर वन और आई टू फ्लो कर रही थी थ्रू आर थ्री तो ये उन्होंने कहा है आपको कि R1 और R3 से फ्लो कर रही थी तो एक्चुअल करंट R2 आ, अब R2 से कितनी करंट फ्लो कर रही है इज़ द डिफरेंस ऑफ I1 वन एंड आई आपने आपने उसको I1 वन माइनस आई या I2 टू माइनस आई करके देखा था ना एंड इट्स डायरेक्शन इज़ अलोंग द लार्जर करंट और उसकी डायरेक्शन जो है वो लार्जर करंट की तरफ हो. इसका मतलब है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी करंट इनमें से लार्जर है तो जरा टू आई पहले देख लें आई जो है वो टू ओवर थ्री एम्पेयर है तो टू ओवर थ्री एम्पेयर जो है अगर उसको आप सॉल्व करें डेसीमल तो फॉर्म में करें तो जीरो पॉइंट आ जाती है और ये फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ आई ठीक है इसी तरह I2 को सॉल्व करें तो I2 जो है वो टू ओवर नाइन एमपेयर है तो वो किसके इक्वल आ जाएगी जीरो पॉइंट टू टू एम्पेयर और ये फ्लोइंग द डायरेक्शन ऑफ आई वन ठीक है तो यहाँ पे आप ये देखें ये दोनों में से किसकी तो आपने इधर क्या करना है फिर हमने कहा था कि जो करंट बड़ी है आपने उसको पहले लेना है ना हम आई वन माइनस आई टू भी कर सकते थे आर क्योंकि आर टू से दो तरह से करंट फ्लो कर रही थी अगर आपको याद हो हम आई वन माइनस आई टू करके भी आर टू से करंट निकाल सकते हैं और आई टू माइनस आई वन करके भी निकाल सकते हैं डिपेंड ये करता है कि क्या आई वन बड़ी है आई टू से या आई टू बड़ी है आई वन से तो यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि आई वन जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू I2 तो इसलिए अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे R2 से किसकी कौन सी करंट बढ़ी है I1 वन सो वी कैन राइट आई वन माइनस और आप इसमें से I1 की करंट में से I2 की करंट को माइनस करके ये करंट आ गया है जीरो पॉइंट फोर फॉर एम्पेयर जो कि फ्लो कर रही है कहाँ से फ्लो कर रही है थ्रू रजिस्टर R2 जो कि एक अकेला रह के था R1 से तो I1 वन फ्लो कर रही थी R3 से I2 टू फ्लो कर रही थी लेकिन R2 टू चूंकि कॉमन था तो हम इस कॉमन रजिस्टर की में से आई वन करके अब आपकी करंट निकाल रहे हैं जो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि क्यों हमने आई वन माइनस आई टू किया और आई टू माइनस आई वन हमने क्यों नहीं किया ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि आई वन ग्रेटर है आई टू से इसलिए ग्रेटर करंट पहले लेंगे और स्मॉलर करंट को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर आपके पास ये आर टू की करंट भी आ जाएगी ठीक है सो द करंट थ्रू आर टू इज दिस फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ आई वन चूंकि आई वन की करंट बड़ी है तो जितनी भी करंट्स जो हैं वो फ्लो करेंगी हमने क्या पढ़ा था कि हमेशा करंट की वही डायरेक्शन होगी जो लार्जर करंट होगी तो लार्जर करंट कौन है आपकी आई वन I1 सबसे बड़ी है इसका मतलब है कि इन सब की डायरेक्शन जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ I1 होगी I1 की तो होगी ही अपनी ही डायरेक्शन में I1 तो होगी फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ I1, लेकिन जो I आपकी R2 से जो करंट फ्लो कर रही है वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ I1 होगी और जो R3 से I2 करंट फ्लो कर रही है, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ आई वन होगी क्योंकि आई वन जो है वो सबसे बड़ी करंट है लार्जर करंट है तो तमाम करंट्स जो सर्किट में फ्लो करेंगी उनकी एक ही डायरेक्शन होगी और वो आई वन की डायरेक्शन होगी जो कि लार्जर करंट है आई होप स्टूडेंट्स आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि कोई भी परेशानी हो मसला हो तो आप उसको साथ साथ क्लियर कर सकें आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें दुआओं में याद रखें अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर अल्लाह हाफिज़